Here we go, दोस्तों मेहरबानों कदरदानों, आज जो है तारीख रकम हो चुकी है वो क्या कहते हैं हिंदी में इतिहास रच चुका है इतिहास रच चुका है, okay, डिफाइनिंग मोमेंट अभी तक इतना सरियल फील कर रहे हैं ना बहुत कि उस हाई से अभी तक हम लो नहीं हुए नहीं हुए, हुए इसलिए हमने कहा फॉरन पॉट का शूट करते हैं बिल्कुल और वॉट वैच अच्छा मैं ना इसको ना लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्यों हम इतना इमोशनल हैं। शाहरुख सुहेल भाई रो रहे थे ठीक है पहले मैं बता हमारे मिला भी हूँ उनसे hmm, मैं भी मिला। uh, और ये इस तरह है कि जैसे लिवरपूल थी ना जो फुटबॉल फैंस उनको समझ आएगी hmm. लिवरपूल तीस साल के बाद जैसे टाइटल जीती और आप हिस्ट्री में पहली बार राउंड टू में घुस गए हो तो ये वो फीलिंग है। इन क्रिकेट टर्म्स 92 के हाँ। बाद जब हम 2017 में और अगर क्योंकि ये कभी भी नहीं हुआ अभी आप वर्ल्ड कप जीते हो तो उसको उस हाई को जरा ट्रांसलेट कर लो तो वो चीज है क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे पहले तो सबसे पहले तो काम करना है ना वो एफ एफ का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है बिल्कुल फॉर श्योर नो डाउट अबाउट इट मैं मिला मैं प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उसके बाद मैं मिला तो ही यूज ही स्टेटेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि मेरा तीन दिन का कॉन्ट्रैक्ट रह गया तो अब मैं तो कोई सजेशन नहीं दे सकता जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन यू नीटेड तो अब सबसे इम्पोर्टेंट <laughs> बात यही है कि का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो और उसके बाद फिर और भी मॉडल्स हैं उस पर भी हम आएंगे लेकिन पहले हम मैच की बात करेंगे बहुत जरूरी है मैच इट सेल्फ को छोड़ के द बंदा पाकिस्तानी बंदा लेकिन जिस तरह उन्होंने किया ना, खिलाड़ी जिस तरह तुमने चलवाया वाला, बन ना गया खिलाड़ी बन, बन गया अच्छा यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ देखें, बारिश हो रही है दो दिन से बारिश शदीद हो रही है सीटें आपकी गीली ठीक है जब बारिश होती है ना तो जाहिर है पानी आता पानी तो आता ही है, होती है ज्यादा पानी आता <laughs> <laughs> वो बिलावल भुट्टो जरदानी ने कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है तो पानी सीटों पे भी था अब जाहिर है अगर कोई बंदा फैमिली लेके आ रहा है वो सोचेगा यार सो बार छाता लेके जाऊँ ना लेके <laughs> जाऊँ क्या करूँ मैनेज कैसे करूँगा सीटें गीली होंगी <laughs> वी बॉक्स का टिकट <laughs> करा लेता हूँ खैर वो तो सिर्फ वी लोगों के लिए था वो तो हमें पता है आप जैसे लोगों के लिए मैं मैं ली हुई थी नहीं था हाँ ली हुई थी बट आई थिंक लोग डबल माइंडेड होते हैं तो वो एक रेन का फैक्टर ठीक hmm. है दूसरा पिच का हम डरे हुए थे पिच खराब ना हो जाए पिच खराब ना हो जाए अब जैसे थोड़ी सी वैसे खराब थी हमारे व्यूअर्स इंडिया के भी हैं तो इंडिया और मलेशिया की जो पिच थी hmm. वैसा तो बुरा हाल बिल्कुल भी नहीं आ, हुआ।, हुआ।, हुआ उससे हमारा बहुत बेहतर पिच थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब जितनी बारिश हुई थी उस हिसाब से तो मतलब वेरी गुड वेरी गुड ये कोई वो हाँ। पडल्स नहीं बीच well हारून मलिक साहब। हाँ। well uh, जो आपकी जो मैनेजमेंट रही है जो इन ग्राउंड मैनेजमेंट है, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिकॉज हाँ। जैसे कि आपने भी, हाँ। भी बोला कि आठ साल के बाद हम मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और आठ साल के बाद हम मैच ऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी पॉइंट है कि एट हाँ। ईयर बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल फुटबॉल हो रही है हो रही है

जब मैं गया हूं, उस वक्त ना गोल पोस्ट लगी हुई है हाँ। ना नेट लगा हुआ है ना वहां पे लाइंस लगी हुई थी और वो जो ट्रैक था वो ट्रैक पूरा उखाड़ा गया हाँ। जो खास तौर पे हाँ। लेफ्ट वाला ट्रैक था ऑलमोस्ट ट्र, पूरा ही उतरा हुआ उ थोड़ा था। हाँ। सा था हाँ। मैं भी कल गया था स्टेडियम और अंदर गया था मैं मैंने पिच से तस्वीरें भी भेजी थी पिच साइड व्यू भी भेजा था थोड़े से पर्डल्स बने हुए थे उस वक्त लेकिन बाय द टाइम ऑफ द आज के दिन Hmm. वो पर्ल्स हट चुके थे जो आई एम श्योर ग्राउंड्समैन ने बड़ा फिट काम किया होगा उसके ऊपर बिल्कुल श्योर ये दस दिन के अंदर बारह दिन के अंदर ये हुआ है ये हर चीज यस yes. तो दैट इज अ फिनोमिनल थिंग इन इटसेल्फ इन इटसेल्फ यस नो डाउट अबाउट इट

Yes. कि उन्हें पता था किस टाइम पे करने है करने टीम को किस हाँ. टाइम पे अपनी टीम को चेयर है, है। चल चल हाँ. लीग में हम देखते, हम देखते हैं और ख्वाब हाँ. है ठीक है मैंने अपनी सताईस अट्ठाईस साल जिंदगी में आज तक मैं कभी फुटबॉल स्टेडियम नहीं गया पाकिस्तान में पहली बार गया तो अब देखें ये वो प्रीमियर लीग वाली फीलिंग हमें आ रही थी इसके अंदर व्हाई क्योंकि मैं बैठा हुआ था स्टैंड्स में आप तो चलें वीआईपी बॉक्स में वो कौन सा बॉक्स था वो एक्रेडिटेशन वाला हाँ वीआईपी बॉक्स ना बोलो प्रेस बॉक्स प्रेस बॉक्स में ना. आप थे प्रेस बॉक्स में सॉरी <laughs> लोग कहेंगे पता नहीं क्या बिग शॉट <laughs> आ गया कोई बिग शॉट नहीं नहीं प्रेस बॉक्स में आप थे मैं अब अब के अंदर बैठा वहाँ जो अवाम है ना वो हारून कॉर्नर ले रहे आ, हारून के लिए हारून ओटिस के नारे लग आ, रहे हैं हमारे वो तराने भी चल रहे थे ऑब्वियसली वो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं अभी तो हमारे पास चैंट है नहीं हमने डेवलप नहीं किए चैंट पहला आप करेंगे ना अब करेंगे क्यों? क्योंकि आप ए एफ सी कप का क्वालिफायर्स का आखिरी राउंड खेलेंगे उसमें भी तीन मैच मिलेंगे आपको उसमें भी, भी। so, अगले चार साल तक हमारी इंटरनेशनल जो है वो फिक्स हो आप छे मैचेस होस्ट करने वाले छह मैचेस इन टोटल हम होस्ट करने वाले अगले चार साल में बिल्कुल लेकिन अभी वर्ल्ड कप अगले मंथ्स मंथ्स में 18 में क्रेजी That, तो तो यही फायदा है राउंड वन पार अ, करने का अभी आप देना, हाँ। आप आप ताजिकिस्तान को को होस्ट हाँ। आप को होस्ट, आप होस्ट करेंगे होस्ट करेंगे जॉर्डन और फिर सऊदी अरेबिया होस्ट करेंगे होस्ट करेंगे जिसका मैनेजर रिबर्टो मैं रिबर्टो मैंनेटो मैं

ये दोनों मतलब हाँ, हाँ, उसके अलावा को वहीद वहीद को भी लगी को भी लगी थी वो भी हाफ पे, हाफ पे पे लगी, चेंज हो गया था, चेंज हो गया था आ, और जुनेद शाह की मैं तारीफ करना चाहता हूं पे। जुनेद शाह ने अपनी को जिस तरह यूज हाँ। किया है, है, टर्न करता था बॉल को जीतता है और आगे स्प्रेड करेगा पास टू वर्ड्स द लेफ्ट विंगर चाहे वो शायद दोस्त हो या कोई भी मां खेल रहा हूँ ही न्यू कि भाई मैंने ना आज ये जो बंदा है ना मेरे सामने ये ही विल नॉट गेट पास अच्छा मेरा एक दोस्त होता था वो बताता था वो अपने कॉलेज में जब खेलता था ना हाँ। फुटबॉल तो उसका कोच होता था वो कहता था बॉल झुले पर बंदा ना जुले बंदा ना जुले यही किया आज जुनेद ने, जुने के, ने बॉल चली जाए जा बंदे को नहीं जाने देना जाने देना हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा फिर

वहां पे आगे हमारे दो रॉक सॉलिड सेंटर बैक सेंटर बैक ईसा सुलेमान एंड अब्दुल्ला देखें, अभी आप पता क्या करें आप ईसा के सामने ना लिखने द वॉल द वॉल बस

कम्युनिकेशन विद राव उमर हयात कभी कभी आउट ऑफ़ हाँ। आगे निकल जाता है फिर उसको ना पीछे कवर करता था, एक तो अपना ईसा कवर करता था और दूसरा जब अब्दुल समय और हारून हामिद है ठीक है समझाता क्योंकि मैं उस साइड पे देख रहा था उस साइड पे मैं बैठा हुआ था अब्दुल जो है ना ठीक है उसको पता है कि यहाँ से हारून हामिद विल गो आउट ऑफ पोजीशन ही विल ड्रॉप इंस्टेंटली इंस्टेंटली पीछे आएगा और उसका पेस इतना ज़्यादा होता था कि अगर वो टू मीटर भी आ गया है ना दो मीटर वो आगे वो जल्दी से कवर करेगा और वो टैकल मार देगा आगे। उसके टे टै टैकल पे मैंने तीन से चार मरतबा तालियां बजाई हैं ठीक है वो बॉल लूज़ कर देता था आई एग्री कि वो तीन चार बार उसने बॉल भी लूज़ की है एक उसको चांस मिला था मैंने काफ़ी बार बोला कि अब्दुलसमद अरशद सिक्स यार्ड्स में अच्छा फिनिश नहीं करता और उसने आज भी वो मिस कर दिया टारगेट मिस कर दिया उस दो तीन दफा ही कट हाँ, इन हाँ, और कट इन करके भी उसने वो मिस कर दिया रॉबिन वाली फिनिश मारने की कोशिश की हाँ, थी सही तरह लगी नहीं लेकिन ही हाँ, बात करनी है हाँ हारून हारून देखें अभी आप पता क्या करें आप जो जितने पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस है

डेफिनेटली डेफिनेटली लेकिन हारोन ने क्योंकि वो गोल किया है एंड वो एक

लेफ्ट विंग बैक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लेफ्ट हाँ। मिड आप कह सकते ना कि वो हम देखते हैं डीएगो सिम करेस्को करो एग्जैक्टली वो है बोला हाँ। करेस्को वो प्रोफाइल आइडेंटिफाई किया किसने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन द लेजेंड कॉल अ लेजेंड मैंने पाकिस्तान का लेजेंड है वो

मजा नहीं आ गया यार मैंने ना उसको आज पहली बार लाइव देखा टीवी पे तो बहुत बार देखा लाइव जब मैंने उसे देखा ना जब बॉल ऊपर से आती है हाँ। ना लॉन्ग बॉल आ रही है वो जो फर्स्ट टच लेता है हाँ। वो लकाकू वाला फर्स्ट टच नहीं होता <laughs> वो उसके ऑपोजिट होता है इट्स सिल्की वाकी इट्स एक्चुअली सिल्की फर्स्ट टच बहुत अच्छे फर्स्ट टच लिया हाँ। उसने तो हाँ मैं मानता हूँ कि उसका पास कभी लेट हो जाता है कभी जल्दी हो जाता है टाइम के साथ बन जाएगी वो लड़का लगता नहीं है बट वो बाईस साल का है <laughs> वो है बाईस साल का वो वो फुटबॉल टीम का इफ्ती इफतहार है वो है हमारा वो लगता तीस का है वो, वो, है वो। <laughs> ऐसे ही तो वो है बट वो खैर कुछ हमारे जो बलोच भाई हैं उनकी होती है फिजी इस तरह की तो पठानों की भी हमारे भाई हैं उनकी होती है तो वो है बट वोट अ रिजल्ट पहली बात तो ये

ओटिस खान भी अब इसमें शामिल हो गया हाँ। मिकाइल अब्दुल्ला व्हाट आर द चांसेस आदिल नबी ने ट्वीट भी किया है कि भाई बुलाओ अच्छा इस पे आने से पहले ना मैं दो बंदों को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिनको okay. मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया है अपनी वीडियोज में तो आई थिंक क्रेडिट वेर इट्स ड्यू एक तो हारून मलिक साहब यस ही हैज़ रन द शिप ब्यूटिफुली ही हैज़ बीन द कैप्टन

ठीक है उस पर मैं नहीं हटूँ फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट होने चाहिए थे बट मैं क्रेडिट दूंगा थैंक यू सर एंड आपने एक वो चमत्कार कर दिया जो हमारे किसी पी एफ प्रेजिडेंट ने आज तक नहीं किया दूसरा शहजाद अनवर मैंने मेरे ख्याल से किसी ने पाकिस्तान की सरहदों में शहजाद अनवर को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं किया होगा जितना मैंने किया दैट गाय डिजर्वस क्रेडिट वाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा एक साल जब से आप बैन से वापस आए हैं जुलाई से लेके अभी तक शहजाद अनवर ने आपके लड़कों को फिट रखा है आपके लड़कों को रिदम में रखा है विदाउट लीक विदाउट अ लीग विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन भी कहता है कि आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है नहीं। यार उसने लिटरली स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो पहले दिन आया ना उसने बोतलें फेंकी हैं कि यार ये क्या है लाहौर में तो उसने बोला है ना कि हाँ कि 90's में भी इससे बेहतर होता था अब क्या हो गया नाइन्टीज़ में भी इससे बेटर होता था लेकिन ये मुझे एक किट मैन ने बताया पी एफ एफ के उसने लिटरली बोतलें फेंकी हैं जो कि आज टीम के साथ था तो शहजाद अनवर डिजर्व क्रेडिट पत्थर में ट्रेनिंग करवाई गई एप्टाबाद के अंदर वो एक गलत डिसीजन था मैं mm. मानता हूँ ए एफ का बट रिदम में लड़कों को रखना mm. देखें फिटनेस अलग चीज़ होती है मैच फिटनेस अलग चीज़ होती है ये no, sure. हमारे क्रिकेटर्स भी बोलते हैं mm. फुटबॉल में भी वही सीन है ही हैज केप्ट कैप्ट मैच फिट और फिर आप देखें ना ये जो स्क्वाड है इसमें से 23 जो लड़के हैं उसमें से आई थिंक 20 या 21 शहजाद अनवर के लड़के हैं अगर आप देखें तो वही लड़का लेके चल रहा है अब स्टेफन कॉन्स्टेंट उसने क्या किया है कि पीसेस को पजल्स को पकड़ा है और वो जो पजल्स हैं उनको इकट्ठा किया और क्या कहा है जी फोर फॉर टू है mm. ये इस इंस्टेंस में वाइड जोन में इधर आपने डिफेंड करना है सेंट्रल जोन में ऐसे डिफेंड करना है ट्रांजिशन में आपने ऐसे yeah. अटैक करना है क्योंकि फोर फेजेज ऑफ प्ले होते हैं आपको mm. पता ही होगा आ, ये यूरोगवाई के एक मैनेजर थे mm. mm. उन्होंने कहा था कि अटैक होता है डिफेंस होता है डिफेंसिव yeah. ट्रांजिशन से अटैक की ट्रांजिशन और अटैक की ट्रांजिशन से वो उसने जो टॉप नॉच काम किया ना उसके ऊपर इन सत्रह दिनों में

अच्छा आप पूछ रहे थे डायस्पोरा प्लेयर का आ, मैं उस पे आ जाता हूँ एतजाज आदिल माइकल अब्दुल्ला एंड टू सम एक्सटेंड ओलेसेटर ओटिस खान एंड ओटिस खान <laughs> नहीं ओटिस का मसला हल हो जाएगा आप टेंशन नहीं लें ओटिस का केस इतना है ही नहीं कोई मसला ही नहीं है कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है ठीक है फीफा इज जस्ट बीइंग आई थिंक

अब हम बात करते हैं जी आदिल नहीं। नहीं। अब्दुल्ला एंड टू <laughs> भाई फिर तो नहीं टिकती है आदिल आ रहे, <laughs> है? मैं ये बता मसला है एतजाज का भी हमारा ही एंड से इशू है और क्योंकि ये दोनों नाम जो थे एनओ की लिस्ट में थे इट मीन दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली अच्छा तो ये दो अगर आ जाते हैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ इट मीनस कि आपको एक तो कैजमीरो शायद मिल जाए ये एक फीफा की गेम चल रही है ठीक है ठीक है ये फीफा की गेम है आपने प्लेयर साइन करने हैं दो एक आपके पास जो मोल्ड आ रहा है ना प्लेयर का वो आ सकता है कैजमीरो का एक आपके पास आ सकता है फॉल्स नाइन फिरमिनो टाइप फिरमिनो वो चीज़ है अच्छा मजे की बात बताऊँ वैसे

तो एक वो डिसीजन मेकिंग भी मैटर करती है और वो फाइनल थर्ड में हमें चाहिए आज हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में नहीं है हारून ना होता हम गोल ना, ना मारते ना मारते क्योंकि डिसीजन so, मेकिंग नहीं थी वी वेंट क्लोज ऑफ टाइम्स फाइनल थर्ड तक पहुंच गए लेकिन वहां से क्रैक कैसे करना है गोल वो नहीं हो सकता

वैसे बहुत करीब आए थे करीब और सेकंड हाफ में भी उनको एक बहुत अच्छा चांस मिला तब था मैं, मैं स्टेडियम में नहीं आया था ना <laughs> मैं 25 मिनट के बाद आया हूं यार कैसे बहनु तुम ये पीएफएफ की मिस मैनेजमेंट की वजह से <laughs> मिस मैनेजमेंट नहीं कह रहा ये मेरी अपनी गलती थी देखिए हम जो पाकिस्तानी है ना हर चीज हर जगह लेट होते हैं आ, वो तो ये दो हमारा दो है हम लेट बैक लो खास पे लोग हैं खासतौर पर जो पंजाबी लोग हैं तो उनका ये सीन होता है तो मैं उठा लेट था मुझे शाहरुख भाई कह रहे हैं जी तू आ जा मिल लेते हैं पहले मिल लेते हैं मैंने कहा सर मैं अपने टाइम पे बट या कमिंग बैक टू जो हम बात करें Mm. ने ना फर्स्ट आ, जो थर्ड थी और mm. मिड थर्ड थी वहां तक तो ठीक है जब आप फाइनल थर्ड में आ रहे हो कैम्बोडिया वॉज लिटली शिटिंग इट वॉज अट मैप इन दाइनल लेकिन

उतना आपके पास बॉल जो है ना आप जल्दी छीन रहे हो mm. आप आठ पासिस के अंदर बॉल छीन रहे हो विच इज वेरी गुड हाई टर्न ओवर ये कि आप उनके ऑपोजिशन के बॉक्स में जाके बॉल छीनते हो जैसे न्यू कांसल करते yeah. हो बॉल छीनते हो और आप ट्रांजिशन वहां से करते mm. हो दैट्स हाई टर्न ओवर और हाई टर्न ओवर हमेशा गोल की चालीस यार्ड के अंदर से होना चाहिए दैट्स हाई टर्न ओवर तो हम वो जो न्यू कासल वाला मंत्रा है mm. ना वो किया हुआ था और आई थिंक स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन इज स्काउटर

एक और भी फैन आई yes, yes. तो, समझाना रहा था हम इस तरह से खेल रहे थे और कैंबोडिया को न्यूट्रलाइज कर रहे थे कैम्बोडिया फाइनल थर्ड में कुछ नहीं कर फाइनल थर्ड़ थर्ड़ में कुछ नहीं दो चांसेस निकले थे तुम्हारे आने से पहले और बट साहब की तारीफ करनी पड़ेगी यूसफ बट लेजेंड हम भूल कैसे गए या अब तुम 25 फाइव मिनट लेट हो मैं वहाँ पे वार्म अप्स भी देखे थे सबसे पहला बंदा जो निकला था ना वार्म हाँ। अप्स के लिए था वॉज यूसुफ भट यूसुफ भट यूसुफ भट आए और जो उस वक्त समझ लो 2000 बंदा होगा ग्राउंड में यूसुफ भट यू बट 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 साहब यस ये लगा हुआ था मोइन की तारीफ नहीं की हमने किसकी मोइन रह गए

उसने एक इतना फिट सेव मारा था। हाँ। right side पे आई थी कंबोडिया के और uh, he shot it. ने रोका, वापस की बात जो मैं कर ना? रहा हूँ अब मोइन क्यों खेलता है काफी लोग कहते हैं यार मोइन का क्या रोल है समझ नहीं आ रही मोइन का रोल ये है राव मरहयात को प्रोटेक्शन देनी बॉल लेके आगे प्रोग्रेस करनी mm. है वर्टिकल लाइन में yeah. अब इंडिया और मलेशिया का भी मैंने मैच देखा है mm. उससे मैं एक मवाजना कर लेता हूँ कि उनके जो कुछ प्लेयर्स थे उनका जो फर्स्ट हाफ था क्योंकि mm. मैंने उस, उस मैच का पूरा एनालिसिस किया है उनके जो दो विंगर्स थे चांगते एंड नोरम महेश सिंह दे कुड नॉट प्रोग्रेस द बॉल वर्टिकली ऑन द वाइड स्पेसिस जो वाइड स्पेसिस होती हैं वो करके दे रहा था mm. और वहां से होता ये ये था अच्छी बात थी कि फरीदुल्ला फरीदल रन मारता था, yeah. था उस राइट विंग में मार yeah. बैठा हुआ था और mm. यही उसको कब है अगला मैच अच्छा ये मेरे से काफी लोग पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या है नेक्स्ट आगे जैसे कि हमने बताया दरवाजे खुल चुके बारह इंटरनेशनल मैचेस मिलने हैं आपको अगले अट्ठारह महीने में बारह इंटरनेशनल मैचेस और फ्रेंड्स हटा दो के अलावा हाँ हाँ फ्रेंडलीस हटा ये, दो ये हाँ वो आप हटा दें वी आर गोइंग टू फेस आई थिंक वी कैन बीट ताजिकिस्तान उनकी रैंकिंग एक सौ दस है लोग कहेंगे भाई अब तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो अगर ये चार प्लेयर्स जो अभी हमने नाम लिए हैं ना जो डैस आ जाए और आप इनके साथ एक

मजा आएगा आई थिंक वी कवर्ड अबाउट एवरी जितने हम अभी इमोशनल हुए हाँ, बहुत ज्यादा कम्प्लीट एनालिसिस करेंगे आगे हाँ, क्या करना है उसका भी करेंगे एक और हमारे जहन में टॉपिक है जो आगे एक चीज है जो मैं हाँ, बोलना चाहता हूँ हाँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ We need a league at ASAP. any cost. ASAP. Haan. हाँ. ये

कि लड़के को तो हम बना देते हैं हम उसको ट्रेनिंग करवा देते हैं अब छ हफ्ते ट्रेनिंग कराई ठीक है अब वो चला गया वापस अपने गांव गांव जाता है ना जब वो उधर वो हो जाता है डायग्रेस और फिर वहां से फिर उसको जीरो से स्टार्ट करके वापस लाना पड़ता है आप एक दलदल में फंसे हुए हैं अगर आपके पास लीग नहीं है जो प्लेयर्स, हजार प्लेयर्स पाकिस्तान में रोल रहे हैं, उनको नहीं। तो नहीं मैच फिट रखा ना, सर वो जो बेसिक्स है ना, वो वो भी भूल जाते हैं। ये उसके अलावा हमने रेडियो में ज़रा पी, एफ, एफ, हाउस की भी बात करनी है क्योंकि मुझे बड़ी धमकिया आती हैं एक बंदा आज मुझे मिला है स्टेडियम में जो कि मुझे धमकियाँ देता रहे है

अभी वीडियो पर लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को शयान के चैनल हाँ। को भी जाके सब्सक्राइब करें विल यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन हाफिज़